हाय, आई एम सामिया खान। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना खजाना। आज हम बनाएंगे मूंग दाल पकौड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो मैंने एक एक कप मूंग की दाल को भिगो कर रख दिया था। ये धुली हुई दाल को भिगो कर रखा था और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। और मसाले में 2 हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। तो मैंने ये मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं। एक प्याज को मैंने कट कर लिया है, इसे मैंने रफली कट किया है। अब देखिए, इसी पेस्ट में सारा सामान ऐड कर देंगे, जैसे कि प्याज हमने जो रफली कट की थी, और मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें, हल्दी, ये भी जो भी मसाले मैंने लिए थे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हल्दी जो है पकौड़ी में बहुत ही अच्छा कलर आता है हल्दी से, इसलिए मैंने हल्दी इसमें ऐड की है। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल होती है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जो ऑयल है ये बहुत ही अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। अब देखिए, मैंने इसमें पकौड़ी ऐड कर दी है। पकौड़ी का साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पेपर भी आगे बढ़ गया। ये मूंग की दाल की पकौड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन जाती हैं। आसानी से आप बना सकते हैं इसे। अब देखिए, इसे पलट देंगे। ये बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बेसिक इंग्रेडिएंट से बनती हैं। जो गैस की फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि पकौड़ी जले ना और अच्छे से अंदर तक पके। अब मैं इन्हें सर्व करूंगी। बहुत अच्छे से पक गई है, ये अच्छे से पक गई है पकौड़ी। हम इन्हें निकालेंगे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, दाल की पकौड़ी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा एक क्रिस्पी बनी है। आपको मैंने इसमें प्याज भी ऐड किए, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास प्याज नहीं हो तो आप उससे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, प्याज से इसका टेस्ट और इसमें प्याज का टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। प्याज चाहे तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आलू को भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो आप प्लीज मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।